हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएनएम थर्ड ईयर के जो एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, उसके मॉडल क्वेश्चंस पेपर के बारे में। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसी के आधार पर जैसे कि जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके पैटर्न के आधार पर ये बनाया गया है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, 3 घंटे का, और टोटल मार्क्स आपके 75 नंबर। 3 सेक्शन में चलता है पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, सेलेक्ट द राइट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट, जो ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूड है वो किसको इंडिकेट करता है, तो सबसे पहला है ऑप्शन फीटल स्ट्रेस, सेकेंड पोस्ट मैच्योरिटी, थर्ड हमारा सी इंट्रायूटेराइन डेथ, एंड फोर्थ हमारा डी है आरएच इनकम्प्लीमेंटली। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है तो आपको एक आंसर का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर। इसके बाद डेसीडुआ, सेकेंड क्वेश्चन है डेसीडुआ इज, डेसीडुआ क्या है, ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी लेयर्स ऑफ ब्रेस्ट, ऑप्शन सी इंटरनल लेयर ऑफ वेजाइना, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर आपको लिखना है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ कितनी होती है वो आपको लिखनी है, 30 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, और लास्ट है ऑप्शन डी 90 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपको देना है, तो इस तरीके से आपको इसके के अंदर 1 नंबर मिलेगा। और इन सभी के आंसर आपको PDF जो है उसकी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, ताकि वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, आंसर बताने के चक्कर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना आपको, वुमन हैविंग 5 और मोर प्रेगनेंसी इज टर्म एस, अब जो वुमन है वो 5 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी अचीव कर सकी है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो आपको लिखना है, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, द फंडल हाइट नॉर्मली रीचेस एट द लेवल ऑफ जिफाइड स्टनम एट, कौन से वीक में जो जिफाइड स्टनम तक हमारा है फंडल हाइट टच हो जाती है, तो वो है हमारा 38 या 30 40 2 वीक जो भी है आपको इसके अंदर मेंशन करना है, तो आपको इसको 1 नंबर मिलेगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पॉइंट हमारा, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ वेजाइना वॉल इज कॉल्ड, जो वेजाइना का ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसका भी आपको इस तरीके से 1-1 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 1 या फिर 2 जो भी है वेन एंड 1 आर्टरी है या फिर 2 आर्टरी है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो वो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको 1-1 नंबर मिलेंगे, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर टोटल आपके हो जाएंगे 15 नंबर सेक्शन ए से। ठीक है, इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, 3rd क्वेश्चन हमारा बनता है ट्रू एंड फॉल्स का, द प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज इरेगुलर मेस्चुरेशन। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है उसका आपको लिखना है, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज सीन इन पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी जो गोल्डन जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूड का वो किसको शो करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है, यस या नो, आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड है हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 1 वेन एंड 2 आर्टरी, राइट है या रॉन्ग, ठीक है, जो आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फेलोपियन ट्यूब इज ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर
जो फेलेटिन ट्यूब होती है हमारी 10 सेंटीमीटर की होती है। राइट है या रॉन्ग आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, इसका भी आपको एक एक नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको एक एक नंबर मिलेंगे, टोटल 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपको मिलान करना है, ठीक है। क्राउनिंग कब होती है तो आपको मिलान करना है, इसके सामने भी ले सकते हैं या फिर मिलान भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड हमारा क्विकनिंग, जो साइन होता है वो कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर ड्यूरिंग लेबर, कब होता है वो आपको लिखना है। इसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग कब होता है, और फोलिक एसिड, फोलिक एसिड कब देते हैं वो आपको इसके अंदर आंसर मिलान करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको 4 अंक मिलेंगे। टोटल हमारा सेक्शन ए है वो आपको 15 नंबर का होता है सेक्शन ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन भी देखेंगे, जिसके अंदर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पोस्टपार्टम हेमरेज एंड डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉजेज आपको लिखने हैं, तो इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन मेस्टुलर साइकिल, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फेज इन द डिटेल्स, ठीक है। मेस्टुलर साइकिल क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, इसका भी आपको 6 नंबर मिलेगा। शॉर्ट आंसर लिखने मतलब आपको 6 नंबर के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा राइट इन शॉर्ट अबाउट लोक्या, टाइप्स ऑफ लोक्या, ठीक है। लोक्या क्या है और इसके जो टाइप्स है, लोक्या रूबरा, लोक्या सिरोसा, ठीक है, वो आपको लिखने हैं, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस बार ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन एबोर्शन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एबोर्शन, एबोर्शन क्या है और इसके जो क्लासिफिकेशन है हमारे वो आपको इसके अंदर लिखने हैं, तो इसके भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। टोटल हमारा सेक्शन जो बी है वो आपका बनेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन अम्लाइकल कोट एंड फंक्शन ऑफ अम्लाइकल कोट, अम्लाइकल कोट क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और आपको फंक्शन लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वो है व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग, ठीक है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सारे के जो एक एक लाइन के आंसर भी लिख सकते हो या फिर इसके डिस्क्राइब भी कर सकते हो, और यदि आप इसका डिस्क्राइब करोगे मतलब ज़्यादा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सेकेंड है ग्रेविटा एंड पेरा, ग्रेविटा एंड पेरा क्या होता है उसके बारे में लिखना है। थर्ड हमारा इंट्रायूटेराइन डेथ, इंट्रायूटेराइन डेथ के बारे में लिखना है। इसके बाद माल प्रेजेंटेशन के बारे में लिखना है, और LSCS क्या होता है, लोअर सीजेरियन सेक्शन सिगमेंट जो होता है हमारा वो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद 6 हमारा लाइटनिंग, तो इस 6 के बारे में आपको लिखना है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से हमारे क्या है सेक्शन ए जो होता है वो आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है वो 30 नंबर का होता है, और सेक्शन सी वो होता है 30 नंबर का, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 75 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 6 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी आपका कितना है, 30 नंबर का, कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, 3 में से। तो पहला है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स, ठीक है। कोई भी 2 प्रश्न हल करने और प्रत्येक प्रश्न के आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या है, प्री एक्लेम्सिया क्या है, डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम एंड कॉज इट, ठीक है। कॉजेज के बारे में लिखना है, साइन एंड सिम्टम के बारे में लिखना है प्री एक्लेम्सिया के बारे में, और राइट द मैनेजमेंट ऑफ सच एज कॉजेज
केस इन डिटेल्स, ठीक है, और इसके मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। तो इसका टोटल आप आंसर लिखोगे 4 से 5 के पेज के अंदर, तो आपको 15 नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, डिफाइन नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर क्या होता है, राइट इट्स वेरियस स्टेज, और इसकी जो स्टेज है उसके बारे में लिखना है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का साइन एंड सिम्टम क्या है वो आपको लिखना है। हाउ विल यू कंडक्ट अ नॉर्मल डिलीवरी, और आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराओगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको 15 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ प्री मेच्योर बेबी, डिस्क्राइब द नर्सिंग केयर ऑफ अ प्री मेच्योर बेबी इन डिटेल्स, वॉट आर द स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद प्री मेच्योर बर्थ। इसका भी आपको 15 नंबर के बारे में मिलेंगे, आपको इसके बारे में प्री मेच्योर बेबी के बारे में आप लिखोगे तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि सेक्शन सी के अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और पर क्वेश्चंस के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपके हो जाएंगे 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये था हमारा जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। अब सेकेंड जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो जीएनएम थर्ड ईयर के लिए, उसका पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि इसकी PDF आपको चाहिए विद आंसर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।